अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी संगठन की बैठक में बैंक अधिकारियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर मंथन किया। इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों के निगमीकरण की कोशिशों को भी बात कही गई। बैठक में संगठन पदाधिकारियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निगमीकरण से काफी नुकसान होंगे, बैंक अधिकारी और कर्मचारियों से लेकर ग्राहकों को इससे तमाम परेशानियां होंगी। बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाना है, जनधन से जुड़ी ग्राहक सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। आज हम जो कानपुर में मंडल में आए हैं, यहाँ हमारे ऑफिसर्स के साथ आज हमारा डिस्कशन हुआ है और कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे इश्यूज उठे हैं। इसमें आज हम ये चर्चा करते हैं कि हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर गवर्नमेंट के तरफ से क्या थ्रेट है, गवर्नमेंट क्या चाहता है, गवर्नमेंट का पॉलिसी का हमें क्या इफेक्ट करेगा, नेगेटिव इफेक्ट करेगा, लोगों को अवगत कराते हैं ताकि अगर हमको कल लड़ाई करना पड़े प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ तो हम उसको लड़ाई ठीक ढंग से कर पाए। दूसरी बात यहाँ हो रहा है कि हमारे बैंक का जो शाखाएं हैं उसमें कस्टमर ग्राहकों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सर्विस दे पाए। आज हमारे बैंक में और बाकी सब पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत सारे वैकेंसी पड़ी हुई है जो ना गवर्नमेंट परमिट कर रहा है ना मैनेजमेंट ले रहा है, जिसके कारण शाखा में ऑफिसर्स के एम्प्लॉयज़ के नंबर घट गया है। हमारी एसोसिएशन का मेन मोटो जो है नेशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन सेकंड और इंडिविजुअल लास्ट है। तो हम लोग आज एक ही मंच पे हमारा एसोसिएशन और बैंक के जो उच्चाधिकारी हैं वो दोनों बैठ के इस पे जो चर्चा हुई बैंक को किस तरह से ऊपर ले जाना है और क्या इसमें दुश्वारियाँ हैं, क्या इसके चैलेंजेज हैं, किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है, इन सारे मुद्दों पर बातें हुई हैं। और इन सारे मुद्दों से ये है कि ये जो मैसेज है मैनेजमेंट तक जाएगा, जो भी इसमें खामियां हैं, हमारे चैलेंजेज हैं, उनको दूर किया जाएगा और हमारा जो बैंक है वो उत्तरोत्तर